भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म कथा अध्याय 7 सुनाने जा रहे हैं। 7वें दिन के 7वें अध्याय की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वे सभी इस कथा को सुनकर के पुण्य के सहभागी बने और इसका पुण्य आपको भी मिल सके। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिन्न दोस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिवान तोस्मि। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दु वदनं वरहवतं सप्रियं श्रीवत्सांकमुदौर कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं। गोपी नाम नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांग भूषणं भजे। वरह पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वेजयंतीं च मालां। रंध्रान वेणोर्धर सुदया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यं सपद रमणं प्रावीशत गीत कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विधिवेशयंतीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। भक्त जनों, प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है जिसे हम सभी अधिक मास कहते हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने इसका नाम पुरुषोत्तम माह दिया है। पुरुषोत्तम माह कोई साधारण महीना नहीं है, यह बड़ा ही विलक्षण और प्रभु का साक्षात स्वरूप है। इस माह को कृष्ण वल्लभी माह भी कहा जाता है, यानी भगवान कृष्ण का परम प्रिय महीना यदि कोई है तो वो पुरुषोत्तम मास है। तो पुरुषोत्तम मास में जो भी कर्म किए जाएं, दान किए जाएं, स्नान किए जाएं, पुण्य किया जाए, मंत्र जाप सिद्धि साधना या कोई भी श्रेष्ठ कर्म कल्याणकारी कार्य यदि इस पुरुषोत्तम माह में किया जाए तो निश्चय ही वह कार्य मनुष्य के जीवन में करोड़ों गुना पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, सूर्य भगवान को जल अर्पित करे, तारों को अर्घ देवे तथा तुलसी माता का पूजन करे, तुलसी माता के यहां दीपक जलाए, तुलसी माता को जल समर्पित करे, गौ माता की सेवा करे, दीप दान करे, मालपुआ दान करे, इसके अलावा पीपल का पूजन करे, पीपल के यहां दीपक जलाए, आंवले के वृक्ष के समीप पूजन करके दीपक जलाए और जितना हो सके भगवान की कथाओं का श्रवण करें, तन मन से पवित्र रह करके पूरे महीने भगवत भक्ति करें, अधिक से अधिक भजन करें, कीर्तन करें, भगवान की महिमाओं का गुणगान करें, प्रभु की सेवा करें, प्रभु की आराधना करें, साधना करें, तो निश्चय ही आप इस संसार में, इस मृत्यु लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम माह के सभी नियमों का पालन करता है वह 84 लाख योनियों में कभी भी नहीं भटकता है। यानी इस पवित्र माह का जो भी पालन करता है उसे सीधा सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, प्रभु के सानिध्य की उसे प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो व्यक्ति जो भी चाहता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पुरुषोत्तम माह के सभी नियमों का पालन यदि आप नहीं कर पाते हैं और केवल यदि प्रतिदिन की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको पुरुषोत्तम महीने का संपूर्ण पुण्य अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। हम आप सभी को पुरुषोत्तम माह के प्रत्येक अध्याय की प्रतिदिन कथा सुना रहे हैं। आपने कल की जो कथा सुनी उसमें षष्ठ अध्याय यानी 6 अध्याय की कथा का आपने श्रवण किया, उसी क्रम में आज 7 अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। 7 अध्याय की कथा में श्री सूत जी महाराज बोले कि हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न महर्षि नारद ने, देवर्षि नारद ने भगवान श्री नारायण से किया था। सो श्री नारायण जी ने जो उत्तर दिया था वही मैं आप लोगों से कहता हूं। देवर्षि नारद जी ने पूछा था, श्री हरि विष्णु महाविष्णु ने अधिमास का अपार दुख प्रभु के सामने निवेदन करके जब मौन धारण किया तब है बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया? सो इस समय आप हमसे कहिए, आपके श्री मुखारविंद से यह रोचक विषय में सुनना चाहता हूं। श्री नारायण बोले कि हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने महाविष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक सेवक दंभ रहित अधिकारी और वैष्णव पुरुष को वह कथा जरूर सुनाना चाहिए।
अतः मैं सब कुछ कहता हूं जो प्रभु ने कहा। यह आख्यान सत्कीर्ति पुण्य यश सुपुत्र का दाता राजा को वश में करने वाला और गरीबी तथा दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को मनुष्य को करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले कि हे महाविष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मल मांस को यहां पर लेकर आए हैं। इससे आप लोक में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा आपको समझना चाहिए। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षडैश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और जो भी मेरे अंदर गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूं। वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। इसका नाम आज से पुरुषोत्तम माह होगा। मेरे अंदर जितने भी गुण विद्यमान है वो मैं आज से इसको प्रदान करता हूं। ये पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया है। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का भी स्वामी हो गया हूं। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो कोई भी करेंगे उनके दुख और दारिद्रता यानी गरीबी का नाश होगा। चैत्रादि सभी 12 महीना सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बताया है और इसको ही हमने मोक्ष कारक बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर के अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को यानी दुष्कर्मों को पाप कर्मों को भस्म करके निश्चय ही करोड़ों गुना पुण्य फल को प्राप्त करेगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल खा करके पत्ते खा करके वायु का भक्षण करके कठोर तप करते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्री रहते हैं और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले ठंड यानी शीत के समय जाड़े में वो जो है बाहर खुले मैदान में रहने वाले गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए निरंतर यत्न करते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी वो मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को मेरे सानिध्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यह अधिमास पुरुषोत्तम मास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं तैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक प्राप्त होगा। कोई चातुर्मास्यादि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग करके पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास का अधिक मास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार करके मेरे में मिल जाता है, मेरा सानिध्य उसे प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मुझे प्राप्त होकर के प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर कभी भी नहीं आता है। जहां जाकर फिर पतन नहीं होता है सो मेरा परम धाम है, ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, यह असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास पुरुषोत्तम मास और इसका स्वामी मैं ही हूं और मैंने ही इसे बनाया है और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है सो मैंने ही इसे दिया है।
अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी भी गिनता नहीं हूं। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरी भक्ति की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर नहीं हो जाती, किंतु मेरे मास जो भक्त है उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता है। मेरे पास के जो भी भक्त है वो मेरे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस अधिमास में पुरुषोत्तम मास में जप दान नहीं करते हैं वे महामूर्ख है, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते हैं एवं देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं वे दुष्ट अभागी हैं और दूसरे के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सिंह कदापि नहीं होते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में स्नान आदि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और पुरुषोत्तम मास में धर्माचरण नहीं करते हैं वो सर्वदा नरकगामी होंगे। प्रत्येक तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते हैं वो कुंभीपाक और बड़े बड़े नरक में जाकर गिरते हैं, और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि को से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए वे प्राणी कैसे दुखों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी पुरुषोत्तम मास का सेवन करने वाला मनुष्य सदैव सुखों को ही प्राप्त करेगा। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजन आदि करती है उन्हें उत्तम सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्रादि यह अधिमास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दानादि से रहित बीत जाता है उनके अनुकूल में नहीं रहता हूं और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है, अतः विशेष करके सब प्राणियों को पुरुषोत्तम मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करते हैं वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग करके पुनः गोलोक धाम के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरी अधिमास का पूजन करेंगे। मेरे सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिमास की चिंता त्याग करके हे रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर के अपने वैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन सुन करके श्री हरि महाविष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस अधिमास को अपने साथ लेकर के नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके पुनः गरुड़ पर सवार होकर के शीघ्र ही वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। यहां पर सप्तम अध्याय की कथा का समापन होता है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य सप्तमो अध्याय श्री कृष्ण चरण चरणार्पणमस्तु। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर जय जय श्री राधे। श्याम काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर करम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह के निमित्त कोई दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और इसे तू नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।